न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अयोध्या जिले के नगर पंचायत गोसाई में मौजूद हैं और यहां से भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल जी आज चार्ज ले रही हैं। आज गोसाईगंज नगर पंचायत कार्यालय पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, हवन हुआ और उसके बाद आज आप यहाँ की कुर्सी संभाल रही हैं। आप विजय लक्ष्मी जायसवाल हैं, सबसे पहले आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 524 के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो आज आप यहाँ पर चार्ज ले रही हैं, आज आप नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को संभाल रही हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य भी है हमारा कि अगर जनता ने मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है तो जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके ज़रूरत के जो भी नगर पंचायत कर सकती है उसके लिए जो है हम सदैव तत्पर रहें। जी, हम आप जानना चाहते हैं, आज मंगलवार है और आज आपने मंगलवार के दिन यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया और आज आप मंगलवार के दिन ही चार्ज क्यों ले रही हैं? थोड़ा दर्शकों के मन में एक ये सवाल उठ सकता है। हम लोग के आराध्य हनुमान जी हैं और हनुमान जी सभी संकट को टालने वाले हैं और अगर कहीं कभी कोई आवश्यकता पड़ी तो अपने इष्ट को याद करके मैंने आज जो है बड़े मंगलवार को ये दिन जो है रखा गया। तो जैसे आज आपने चार्ज यहाँ पर ले लिया, आज आप चार्ज लेने के बाद गोसाईगंज नगर पंचायत को लोगों को पहला तोहफा क्या देना चाहती हैं? पहला हमारा काम जो है 15 दिन जो है स्वच्छता अभियान का चलेगा और जितने भी नाले हैं, जो भी चोक नालियाँ हैं उनको उनकी सफाई हो, एक अभियान चला करके, एक जागरूकता अभियान चला के इसमें मैं वार्ड के और जनता के लोगों का सहयोग भी लूँगी, उनसे भी अपील करूँगी कि वो इस कार्य में सहयोग करें और अपना गोसाईगंज सुंदर और स्वच्छ गोसाईगंज हो। ये ठीक है, आपने न्यूज़ 524 ने आपसे इंटरव्यू लिया था और आपने बताया था कि हम जैसे ही चार्ज लेंगे सुबह साले का जो है किराया 5100 से 2100 किएंगे कर देंगे और यहाँ पर वातानुकूलित एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, क्या इसके बाद आपका जो है पहला तोहफा ही रहेगा? हाँ, मेरा पहला फोकस तो स्वच्छता है, फिर उसके बाद से जो है यहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा और जो नगर पंचायत के द्वारा निर्मित सुभाशाला है उसका किराया तो जब पहले ही घोषणा में था और वो हो भी चुका है, अगर अभी शायद आ गया है कोई उस डेट पे कोई बुकिंग है क्या इधर, तो उसको 2100 ही लिया जाएगा और बोर्ड की अगर पहली बैठक होगी तो मैं चाहूँगी कि बोर्ड के सभी मेंबर्स मेरा इसमें सहयोग करें और सुभाशाला को बढ़िया बनाने में मेरा सहयोग करें। एक आपसे हम अंतिम सवाल करते हैं, ये सवाल जो जनता का भी हो सकता है और जनता के मन में एक सवाल आ सकता है, जैसे कि अन्य नगर पंचायत अध्यक्ष जो हुए उनके द्वारा पहले तो सही काम किया था लेकिन बाद में उनके अंदर बदलाव हो गया, तो जनता के मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या विजयलक्ष्मी जायसवाल जी चार्ज लेने के बाद कुछ सालों में बदल तो नहीं जाएंगी? नहीं, मेरा देखिए मैं एक गृहिणी हूँ और गृहिणी जैसे मन बना के चलती है कि घर में सब चीज़ व्यवस्थित और संतुलित रहे, ऐसे ही गोसाईगंज नगर पंचायत मेरा परिवार ही है तो मैं भी चाहूँगी कि सबके सुख दुख में काम आऊँ और सबके जो भी हित में काम हो वो काम हो और भूलने की बात तो तब होगी जब मैं जनता से अलग होंगी, मैं जनता के बीच में ही रहूँगी तो मैं भूलूँगी ही नहीं और ना बदलूँगी, मुझे जनता ही और मेरे वार्ड मेंबर मुझे याद दिलाते रहेंगे, मेरी एक सलाहकार समिति है वो मुझे याद दिलाती रहेगी, ऐसे इसकी नौबत आएगी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज 524 से बात किया और अपना पक्ष रखा, आपके बगल में गोसाईगंज के नगर के अधिशासी अधिकारी इंद्रवान जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।